आज मेरे किचन में अप्पे बनने चला है। फूले फले अप्पे कैसे आप लोग घर में आसान तरीके से बना सकते हैं। सूजी अप्पे दोस्तों बहुत काफी टेस्टी है, इसको सुबह बच्चे को टिफिन में लंच में भी दे सकते हैं। टमाटो चप के साथ में, तीखी चटनी के साथ में जैसे खाना चाहते हैं उस तरह खा सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर देखिए बन के तैयार है। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सुबह का प्यार भरे गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। तो आज चल रहे हैं अपने किचन में अप्पे बनाने के लिए। बच्चों को जैसे मन पसंद रहता है, सर्दियों के मौसम में कैसे बना सकते हैं, आप चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अप्पे बनाने के लिए जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने सूजी ले लिए हैं। नहाने के हमने 2 घंटे पहले सूजी को भिगो देंगे, तो इसमें मीठे सोडे नहीं डालना पड़ेगा और सूजी बिल्कुल बारी हुई रहना चाहिए। मोटे वाला सूजी नहीं बिल्कुल लेना है हमको। तो यहाँ पे देख रहे हैं बारी वाला सूजी बिल्कुल हम लिए हैं। मोटे वाला सूजी हो तो मिक्सर जार में थोड़ा सा आप इसको पीस भी सकते हैं। उसके बाद मीठी वाली दही हमको लेना है 1 कटोरी पूरे भर कर। तो मीठी वाली सर्दियों में दही जैसे देखते हैं कितने दिन का दही रहता है, मीठा रहता है। तो हमने मार्केट वाला दही पैकेट का जो होता है अमूल वाला, वही दही मंगवाए हैं यहाँ पर। तो दही को हमने ले लिए हैं। तो दही को पहले हमने सबसे पहले डाल देंगे दही को इसमें सूजी में। सूजी में दही को डालकर इसके बाद आप जैसे तुरंत बनाना चाहते हैं तो 1 चम्मच इसमें बेकिंग और मीठे सोडे, सॉरी खाने वाला सोडा जो होता है उसको डाल सकते हैं। तो इसको हम सबसे पहले दही को और सूजी को अच्छे से फेंट लेंगे। अच्छे से फेंटने से रहता है कि दही में जो भी गुटकियाँ रहता है वो दही हमारा अच्छे से मिक्स हो जाता है इसमें। तो इस तरह से देखिए हमने, आप स्पून के सहारे से चाहे जैसे देखते हैं इसको जैसे आप फेंटना चाहते हैं उस तरह से फेंट सकते हैं। तो यहाँ पर 1 चम्मच लिए हैं, इसी से हमने मिला रहे हैं इसको। तो हम नहाने के पहले इसको हम फेंट कर इस तरह से रख देंगे। बच्चों को टिफिन में लेट हो रहा है तो आप जल्दीबाजी में बना कर दे सकते हैं। बच्चों का मन पसंद है अप्पे, तो यहाँ पे अप्पे सूजी वाला हो चाहे पोहे अप्पे हो, जो भी आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो देखिए मिला लिए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे। सूजी में पानी बहुत सारे सोखता हमारे, तो हम एक साथ में थोड़ी थोड़ी पानी डालेंगे इसको और डालकर सूजी को अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। तो इस तरह से देखिए मिक्स करेंगे, सूजी फूल के जैसे देखते हैं दुगना हो जाता है। तो इसको अच्छे से हम बिल्कुल फेंटेंगे जाके सूजी का लस्सी जो है इसमें से टूट जाए। तो इस तरह से देखिए हम फेंटते रहना है। जैसे बेसन हम फेंटते हैं, जब बेसन हल्का हो जाता है पूरे, तो बेसन की फुलौड़िया बहुत ज़्यादा मुलायम बनता है। तो उसी तरह अपने मुलायम बनाने के लिए इसको इस तरह से फेंट लीजिए एक बार अच्छे से। आपके पास तुरंत बनाना चाहते हैं नहीं है तो आप इसमें बेकिंग पाउडर भी 1/2 चम्मच डाल सकते हैं। अब देखिए इसको फेंटने के बाद से फिर इसमें हम पानी डालेंगे। जैसे आपका 1/2 kg सूजी है तो उसमें आपको पाव भर दही डाल सकते हैं, 1 कटोरी दही डाल सकते हैं। आपके पास दही नहीं हो तो आप पानी में इसको फेंट सकते हैं। 1/2 नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं आप। अब देखिए हम फेंट कर इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। इसी तरह से देखिए घोल है, अब इसको छोड़ देंगे इसी तरह 2 से 3 घंटे छोड़ दीजिए, पूरी रात भर के लिए छोड़ सकते हैं आप। अब इसको हम फेंट कर अच्छे तरीके से इसी तरह से छोड़ देंगे और जो इसमें दही बचा है, दही कुछ कटोरे को हम अच्छे से धो लेंगे। अब इसको फूलने के लिए इधर हम छोड़ दे रहे हैं इसी तरह से। अब इसको ढककर इसी तरह छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि हमने इसको 2 घंटे के लिए भिगो दिए थे। भिगो के देने के बाद से इसको फूल गया अच्छे काफ़ी से। उसके बाद यहाँ पर चल रहे हैं गैस को रख दिए हैं, करिए तेल इसमें डाल दिए, गर्म हो रहा है। हम राई सरसों जो भी सब्जी आपके पास है उसको डाल सकते हैं आप। इसमें डालेंगे 4, इन सभी को डालने से बहुत टेस्टी अप्पे बनता है। इन सभी चीज को ज्यादा देर नहीं भूनना है हमको। इसी के साथ में गाजर डाल के भूनेंगे आप, शिमला मिर्ची, सभी चीज को एक साथ में हमको भूनना है। जो भी सब्जी आपको पसंद हो सब्जी आप ले सकते हैं यहाँ पे। अब इसको अच्छे से भूनने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये बहुत काफी टेस्टी बनेगा, इसमें थोड़ी सी मसाला डाल देंगे, स्वाद के अनुसार से नमक डाल देंगे, 1/2 चम्मच कैसरी पाउडर डालेंगे। आपके बच्चे तीखे खाते हो तो 1/2 चम्मच इसमें लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं आप। अब इन सभी सब्जियों को हल्का सा पकाएंगे, बस हल्का सा पकाना जरूरी रहता है इसलिए सब्जियों को। अब इधर जो सब्जी है हल्का सा पक गया है, ज़्यादा इसको नहीं पकाना हमको है, हल्का सा जब पक जाएगा सब्जी तो हमको तुरंत निकाल लेना है सब्जी को। हम क्या करेंगे, इसके अंदर में डाल लेंगे जो भी सब्जियाँ हम इसको भुने हैं, सारी सब्जियाँ इसमें डालना है हमको। इस पे
सांचा को हमने गर्म करेंगे अच्छे से काफ़ी। अब इसके बाद यहाँ देख रहे हैं हमने आधे चम्मच बेकिंग पाउडर बेन की मीठा सोडा बिना ये जल से खाने वाला सोडा जो होता है उसको हम डाल दिए हैं बिना उसके ये गलता नहीं है अच्छे से काफ़ी। अब इसमें सारे सब्जियां डाल के अच्छे से फेंट लेंगे हम। नमक थोड़ा सा चेक करके हल्का लग रहा है तो थोड़ी सी नमक इसमें और डाल सकते हैं आप। ये दो घंटे फुलाने के बाद से जैसे देखते हैं कि इसमें मीठे सोडे नहीं डालना पड़ता अपने आप फूलने लगता है। बाकी आप लोग तुरंत बना रहे हैं तो इसको जरूर डालें मीठे सोडे। तेल को अच्छे से इस तरह से हमको फैला लेना है। चम्मच से उठाएंगे तो हमको ज्यादा नहीं डालना है, एक एक चम्मच इसमें डालना है हमको। अब इसको ढककर हम 5 मिनट पाँच मिनट पक्के तैयार होगा, 2 मिनट तक इसी तरह ढक देंगे। अब मीडियम आंच पे इसको बिल्कुल पकाना है आपको। इस तरह से ढक दिए हैं, मीडियम आंच पे पक रहा है। अंदर देख सकते हैं कि हल्का हल्का पक चुका है। अब इसके ऊपर से भी हमको इस तरह से तेल लगा लेना है। अब इसको क्या करेंगे चाकू जैसे देखते हैं, इसके साथ में जो चाकू मिलता है उसी से भी आप पकड़ सकते हैं। देखिए कितने काफी अच्छे हमारा पक गया है सब। ये अपने आप इतना अच्छे काफी अच्छे से पका है। ये छोटा वाला हमारा साँचा है, बड़ा वाला साँचा मंगा सकते हैं मार्केट में, बड़ा नहीं मिलता है। तो सभी को हम इस तरह से देखिए ये बहुत काफी टेस्टी हमारा बन के तैयार हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं फूले फूले। अंदर देखिए 5 मिनट बन के तैयार हो चुका है तो इसको निकाल लेंगे। देखिए कितने काफ़ी अच्छे से पक के हो चुका है बन के तैयार। खुला खुला आप देखिए कितने काफ़ी टेस्टी बन के तैयार है। इसको चटनी के साथ में आप खा सकते हैं, इसको टमाटो चटनी के साथ में खा सकते हैं। फिर इसी तरह से दाल का हम तैयार करेंगे। सभी में तेल लगाना जरूरी है क्योंकि तेल लगाने से अप्पे उपजता है आसान तरीके से। अब इसमें सभी में एक चम्मच डाल दिए हैं, फिर इसको इसी तरह से ढक देना है। ढककर इसको फिर पकाना है 5 मिनट। तो यहाँ पे अप्पे सारा हमारा इसी तरह से अप्पे बनाकर निकाल लेंगे। बहुत काफी टेस्टी अप्पे बन के तैयार है। अब वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इधर देख रहे हैं हमारा सुबह सुबह का घुघरी भी बन के यहाँ पे देख के तैयार हो रहा है क्योंकि सभी लोग को यही मन पसंद होता है। सभी लोग को अलग अलग नाश्ता बनाना पड़ता है इसी घर में। इधर हमारा घुघरी बन रहा है, अपने बन के तैयार हो चुका है। तो अपने को निकाल ले रहे हैं इस तरह से थाली में।